दोस्तों नमस्कार। पाठ द्वितीय पाठ बी में जो कि हम लव मैरिज की बात कर रहे हैं, आपका स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल पर प्रेस करना ना भूलें। देखिए, वीडियो को लंबा खींचना हमारा तात्पर्य नहीं है, आपको कहानियां सुनाना हमारा तात्पर्य नहीं है। फोकस आपका यह है कि आपको मेन मुद्दे पर फोकस किया जाए, आपको कुंडली पढ़ानी और पढ़नी सिखाई जाए। चलिए दोस्तों, कल हमने बात कर ली थी आपके इस वाले घर की, पंचम की, सप्तम भाव की और नवम भाव की बात की थी और देखा था कि हमने अगर इस घर का स्वामी उठकर इसमें या फिर इसमें या इसमें बैठ जाए और आपका भाग्येश कमजोर हो जाए तो केस वन था आपका दूर वाले व्यक्ति के साथ आपकी विदेश में मैरिज हो सकती है। आज बात करेंगे हम राहु और केतु की। अगर आपके इस वाले घर में, देखिए ये मैरिज वाला घर है, अगर इस वाले घर में आपका राहु आकर बैठ जाए या फिर केतु, इन दोनों में से कोई एक दो, क्योंकि दोनों तो बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों एक 180 पर रहेंगे। अगर राहु यहां होगा तो केतु यहां होगा, अगर केतु यहां है तो राहु यहां पे होगा। तो राहु केतु अगर इन दोनों में से कोई भी आपके इस वाले घर में आकर बैठ जाए या फिर इनकी दृष्टियां पड़ जाएं, क्योंकि राहु और केतु की जो दृष्टियां होती हैं कौन कौन सी होती है, पांचवी होती है, सातवीं होती है और नौवीं। मान लीजिए केतु यहां बैठा है तो डेफिनेटली इसकी सातवीं आईज यहां पड़ रही है। या फिर केतु अगर आपका राहु है यहां से कहीं और बैठ जाए, हम उल्टा चलते हैं, हम एक दो तीन चार तो यहां से हो गए तो पांच यहां से हुआ। तो अगर राहु आपका यहां पे बैठा हुआ है तीसरे भाव में, अगर राहु यहाँ पे बैठा हुआ है तो राहु की यहाँ से कौन सी दृष्टि पड़ रही है, राहु की यहाँ से दृष्टि आकर पड़ रही है आपके इस वाले घर में, जिसे हम कहेंगे पांचवी दृष्टि। सातवीं दृष्टि आपकी केतु की, मान लीजिए राहु यहाँ है केतु यहाँ बैठा तो सातवीं दृष्टि राहु की आपकी यहाँ से पड़ रही है, तो सातवीं दृष्टि होगी। और राहु अगर यहां बैठा हो तो राहु की दृष्टि यहां से भी आपकी पड़ रही है नौवीं दृष्टि। तो राहु की कौन सी यहां दृष्टि पड़ रही है, नौवीं दृष्टि पड़ रही है। तो राहु केतु कोई भी बैठा हो इस वाले घर में या फिर इनकी दृष्टियां पड़ रही हो, चार्ट कुछ भी हो, नंबर यहां पर कुछ भी लिखा हो, कोई मतलब नहीं है। यहां पर आठ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कोई भी राशि यहां पर हो सकती है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको यह देखना क्या राहु केतु बैठा हुआ है सप्तम भाव में या फिर राहु की कहीं से दृष्टि पड़ रही है, कौन सी, पांचवीं, सातवीं, नौवीं से कहीं से ये देख तो नहीं रहा इस वाले घर को। अगर इस वाले घर को अगर राहु आपका केतु देख रहा है, देखिए राहु केतु है, सेपरेटिव टेंडेंसी होती है, सेपरेट करना इनकी खासियत है और ये करते ही करते हैं कुंडली में। किसी की कुंडली आप उठाकर देख लीजिए, हम जो बता रहे हैं हमने कई सारी कुंडलियां देखी हैं और उसके अनुसार ये आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों सप्तम स्थान पर यदि ध्यान रखें राहु केतु स्थित हो या सप्तमेश के साथ हो, मतलब यहां पे स्थित हो या इसके साथ हो, या इन्हें किसी भी प्रकार से प्रभावित करें, कैसे प्रभावित कर सकता है, दृष्टियों से प्रभावित कर सकता है, तथा इन पर अगर यहां पर इस घर का मालिक भी आकर यहां बैठ जाए, इस घर का मालिक आकर बैठ जाए या तीसरे घर का मालिक आकर बैठ जाए या फिर बारहवें घर का मालिक आकर बैठ जाए या फिर आपके छठे घर का मालिक आकर बैठ जाए, अगर इन नंबरों के मालिक, देखिए यहां पे आठ नंबर है तो इसका मालिक कौन हुआ, मंगल, तो मंगल उठकर यहां बैठ जाए, छह नंबर लिखा बुध, बुध आकर यहां बैठ जाए, लेकिन ये यहां प्रेजेंट होना चाहिए राहु केतु। अगर इन घरों के मालिक, 12 यहां लिखा है तो कौन, बृहस्पति उठकर यहां बैठ जाए, 3 नंबर यहां लिखा हुआ है तो 3 का हुआ मरकरी यहां पे आकर बैठ जाए, अगर इनमें से 3, 8, 12 और 6 का मालिक, 3, 6, 8, 12, ये घर याद रखिए, ये तो सबसे खराब घर होते हैं, ये तो पराक्रम का घर होता है लेकिन ये भी आपको काफी ज्यादा तरसाता है। अगर इन घरों का मालिक उठकर आपके यहां पर बैठ जाते हैं या दृष्टि पड़ जाती है यहां से, तो व्यक्ति विदेश में, तो इस केस में जो व्यक्ति होगा वो विदेश में या फिर दूसरे धर्म में इंटरकास्ट मैरिज जरूर ही करेगा। तो यहां पर आपको इंटरकास्ट और लव मैरिज का पता लग गया। दोस्तों आगे जारी रखने से पहले आपको बताएंगे हमारी ऐप हेल्थ टिप टिप्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हेल्थ रेमेडीज बताई गई हैं उसमें और हिंदी और अंग्रेजी में बताया गया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सारी घर की समस्याएं, आपकी सेहत की समस्याएं उनमें लिखी हुई हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से कोई समस्या चाहिए, कोई कंसल्टेंट चाहिए, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लें या फिर हमारी वेबसाइट www.jyotishghar.in पर विजिट करें, वहां पे बहुत ही विस्तार से, ऐप में भी बहुत विस्तार से हमने दिया है, आप हिंदी और इंग्लिश में वहां पे देख सकते हैं सारी कथाएं, वैदिक स्टोरीज, आपकी कुंडली मैचिंग और आपकी कुंडली, हर चीज हमने, होरोस्कोप्स और हर एस्पेक्ट्स आपको वहां पे बताया है, पूरे प्लैनेट्स के दशम घर में क्या भाव होते हैं वीडियो भी हम बनाएंगे और बताया गया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों राहु केतु का होना यहाँ सप्तम भाव में, राहु केतु की दृष्टियां कहीं से पड़नी यहाँ पे पड़ती है, तब आपका विदेश या विदेश व्यक्ति से, विदेशी व्यक्ति से दूसरे धर्म में विवाह होता है, या फिर इस घर का मालिक उठकर यहाँ बैठ जाए, इस घर का मालिक उठकर यहाँ बैठ जाए, तब भी आपका विवाह वो करवाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारे हमारे पास सेलिब्रिटीज़ हैं, लाइक करीना कपूर को आप देख सकते हैं, सैफ अली खान जी के साथ उनकी विवाह हुआ, तो अगर उनकी कुंडली में आप देखते हैं उठाकर, तो उनके इस घर में केतु की दृष्टि पड़ रही है, साथ ही साथ शनिदेव, क्योंकि शनिदेव को, शनिदेव जो इसके मालिक हैं उठकर यहाँ पे आकर बैठ गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया इस घर के मालिक उठ के यहाँ बैठे हैं आपकी करीना कपूर की कुंडली में, तो उनकी कुंडली में दूसरे धर्म की ओर इशारा किया उसने और उनका विवाह भी दूसरे धर्म में हो गया। तो आपको यहाँ पे याद करना है, क्या याद रखना है आपको, ध्यान फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि आप चीज़ों को रट्टा ना मारे, बस याद रखें। देखिए खेल क्या है, सिर्फ 6, 8, 12 तो आपको पता ही होगा, ये स्थान जो होते हैं कुंडली में अच्छे नहीं माने जाते हैं। उसके बाद अगर साथ में ये 3 तो 36, 812 ये नंबर आपको याद रखना है, ये उठ अगर इनके मालिक उठकर यहाँ बैठ जाएं, या फिर सप्तमेश उठकर यहाँ पे वाइस वर्षा हो जाए, यहाँ पे बैठ जाए, तो आपका इंटरकास्ट मैरिज, आपका लव मैरिज आपका बना देंगे। और दूसरा राहु केतु अगर यहाँ बैठे हैं, तो राहु केतु, राहु या केतु में से कोई भी एक बैठा है या उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं, तब भी आपका जो जीवन साथी होगा वो बाहर से होगा। दृष्टियां कहाँ से पड़ेंगी, 3, 1, 11 से अगर दृष्टियां पड़ जाएं यहाँ पे, तब भी आपका बाहर वाले व्यक्ति के साथ या दूसरे धर्म में आपका विवाह कर लेते हैं। दोस्तों कई लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं साहब कि ये हम नहीं मान रहे इसे। देखिए आपकी कुंडली में आपकी डिग्री, आपका बलाबल और आपकी किस दशा, किस महादशा में ये हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने करती है। देखिए ये सारे योग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, ऐसा विवाह तब ज़्यादा हो जाएगा जब राहु केतु में से किसी का भी, इस घर के मालिक का या 8, 6, 8, 12 या तीसरे में से किसी की भी दशा महादशा चल रही हो, तो आपकी उस दशा में विवाह का योग बना देगा, आपके दिल दिमाग में आपको दूसरे धर्म में आपको मन मर्जी करने वाला बना देगा, ताकि आप विवाह करें, आपको हठकर्मी बना देगा और आपको दूसरे धर्म की ओर विवाह करने के लिए उत्तेजित कर देगा। तो ये बिल्कुल ही, हमने कुंडलियां बहुत सारी देखी हैं, बहुत बहुत कुंडलियां आती हैं रोज की, ऐप के माध्यम से भी, फेसबुक से भी आती है, हमारी वेबसाइट से भी आती है, कमेंट बॉक्स में भी लोग पूछते हैं, तो उन सारी कुंडलियों को देखने के बाद भी हमने आपको बताया है ये। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं वीडियो का ये पार्ट बी जो है आपको समझ में आया होगा, पार्ट सी भी लेके आएंगे, उसमें भी बहुत कुछ है, तो वीडियो को देखते जाइए, बहुत सारी वीडियोस लव मैरिज और इंटरकास्ट पे बना रहे हैं हम, हर वीडियो में आपकी कुंडली से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल पर प्रेस करना है और वीडियो को शेयर करना है, ताकि आप, आपके मित्र और उनके मित्र सबको इसका फायदा हो सके। आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए धन्यवाद।